गढ़ जो कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से बना है। ईंटों के इस्तेमाल में हम किसी से कम नहीं है और इसमें कई कक्ष, दरवाजे और प्रवेश द्वार हैं। रूप में सूखी ईंटों और लकड़ी से अपनी इमारतों का है। यहाँ पूरब में बेलिए घर शहर के घरों से काफी अलग है। यहाँ एक मुख्य बाजार है जो व्यापार और वाणिज्य के लिए है। हमारे प्रणाली पर गर्व करते हैं जो पत्थरों, खंडों और बहुत उत्तम किस्म की चिकनी मिट्टी से बनी है। समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे गिर पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनोधर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इठलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कंटीले जंगल, गुल्म व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं, वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह कई नदियों का विलय होता है। वर्षा वन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती। जहां 6 करोड़ साल पुराना परिणाम हमेशा एक ही होता है।
तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं स्मृति वन भुज में, जहां प्रधानमंत्री उन तमाम सातों खंडों का मुआयना करते हुए, और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से जब 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आया था, उस भूकंप में करीब करीब 13,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी, उन्हीं लोगों की याद में इस स्मृति वन का निर्माण किया गया है। और ये आइडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कि इसका निर्माण कराया जाए। 7 अलग अलग खंडों में 7 अलग अलग थीम पर ये सारा बना है। और प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं, आगंतुक पुस्तिका में भी उन्होंने कुछ अपने विचार साझा किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरा, और आज गुजरात में भुज में प्रधानमंत्री स्मृति वन, उसका उन्होंने जायज़ा लिया, मुआयना किया, सातों खंडों का उन्होंने मुआयना किया। बहुत ही महत्वपूर्ण, खासकर उन लोगों की याद में इसको बनाया गया है जो लोग 2001 की विनाशकारी भूकंप के शिकार हो गए थे। और ये स्मारक में उन सभी लोगों के नाम भी दर्ज हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उन सभी 13,000 करीब करीब 13,000 लोग जिनकी इसमें मृत्यु हो गई थी, उन सभी लोगों के नाम इस स्मृति वन स्मारक में दर्ज किए गए हैं। ये उस सातों खंडों में से कुछ खंड, 7 खंडों में आप देख सकते हैं स्मृति वन भूकंप संग्रहालय, और इसके अलग अलग खंड हैं, बने हुए हैं। और इसके साथ